ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। कस्बे के मोहल्ला मनिहारन में ऑपरेशन जागृति के तहत क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं को समझाते हुए कहा कि अधिकांश झगड़ों में महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है तथा उन्हें आगे करके झूठे मुकदमे दिखाए जाते हैं, जिससे नए युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है। अक्सर नाबालिग बच्ची को आगे करके युवाओं के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया जाता है। लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण 5 से 6 साल लग जाते हैं तथा जब तक युवा नौकरी के लिए अपनी उम्र से आगे निकल जाता है और उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न के मामले तथा मारपीट के मामले अधिकांश से गांवों के लोग फर्जी मुकदमा जरूर लिखवा देते हैं। इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद सिंह ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि बंटवारे संबंधी विवाद, घरेलू विवाद, ऐसे वादों का निपटारा आप लोग स्वयं बाकी के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मुकदमा लिखने के बाद कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने कहा कि ADG आगरा जोन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है। पुलिस विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर राजकुमारी रावल, एकता रावल, सोनू यादव, हनुमंत कठेरिया, मोहम्मद सईद, शैलेंद्र जैन, सभासदगण सफदर हुसैन मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन सभासद अकरम बबलू ने किया। संचालन उदयवीर सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश पांडे ने किया। सभासद महोदय, मोहम्मद अकरम सभासद जी, हमें डाले रहो, इधर देखो, इधर सही आदरणीय सही जी साहब, हाँ बबलू अकरम जी का भी स्वागत कर रहे, हमारा अलग है आपका अलग है। इधर चलो नाराज मत हो, क्योंकि थाने पे आप देखिए, जैसे शुरू करते हैं, जैसे आपका मोहल्ला है, आपके मोहल्ले में झगड़े किस प्रकार के होंगे, या गांव से बहुत से लोग बिलोंग करते होंगे, तो गांव में झगड़े किस प्रकार के हैं, खेत पर कब्जे को लेकर विवाद होगा, चक्रोड को लेकर विवाद होगा, सड़क पानी को लेकर विवाद होगा, मोहल्ले में या गांव में कोई सड़क बनाई जा रही है या कोई नाली निकाली जा रही है उसको लेकर विवाद है। खासकर गांव में ज़्यादा होता है, गांव में पता नहीं किस बात का झगड़ा होता है कि हमारे घर के आगे नाली नहीं बननी चाहिए, हमारे यहाँ के सामने दूसरे गंदा पानी निकलेगा, गांव में ज़्यादा होती है ये समस्याएं हैं। चक्रोड को लेकर विवाद है। इसके अलावा हमारे परिवार में भी झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़ा है, बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक समय के बाद सभी परिवारों में बंटवारे का समय आता है, बंटवारा होता है, उसमें झगड़े होते हैं। अब इन झगड़ों में होता क्या है, किसी भी प्रकार का झगड़ा क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, पहले बातचीत करते हैं, बातचीत में बात बिगड़ती है तो कहा सुनी होती है, मोहचावर होती है, कुछ मामलों में गाली गलौज हो गया, देख लेने की धमकी देना शुरू कर देते हैं, तुमको देख लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और कभी बात बिगड़ गई तो मारपीट हो जाती है, लाठी डंडे चल जाते हैं, ईंट पत्थर चल जाता है, किसी का सिर फूट जाता है, यही तो होता है झगड़ों में, यही होता है सब जगह। लेकिन अब ये झगड़ा जब थाने पहुंचता है, पुलिस मेडिकल कराती है, उसके बाद पुलिस कहती है तहरीर लिख कर दो, तो अब देखो तहरीर कैसे चेंज होती है, तहरीरों में क्या देखा जा रहा है कि साहब मारपीट में हमारे जेब में 25,000 रुपये भी छीन लिए, हमारे गले का मंगलसूत्र छीन लिया, गले में 2 तोला की जंजीर थी उसको लूट लिया, ये लिखाना शुरू कर देते हैं, या फिर मारपीट के समय हमारे घर की नाबालिग बच्ची थी उसके संग छेड़खानी कर दी, उसे कपड़े फाड़ दिए, ये लिखवाते हैं मुकदमों में। इसके लिए ये ऑपरेशन जागृति चलाया गया है कि वास्तव में जो हुआ है वही लिखाया जाए, महिलाओं को बच्चियों को आगे ढाल बना के मुकदमे ना लिखाए जाएं,
छेड़खानी का मुकदमा लिखाते हैं, सील भंग का मुकदमा लिखवाते हैं, ये ना लिखाया जाए, नंबर एक। नंबर दो, झगड़ा होता भी है, पड़ोस में झगड़ा हुआ या परिवार में झगड़ा हुआ, तो उन झगड़ों में हम बच्चों के नाम भी लिखवा देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, भर्ती देख रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके नाम भी मुकदमे में लिखवा देते हैं। हो सकता मौके पर हो, खड़ा हो, देख रहा हो कि घर में है तो बच्चा तो हो गई, भाई भाई में झगड़ा हुआ, जमीन का झगड़ा है, बंटवारा झगड़ा, झगड़ा हो रहा है, बच्चे खड़े हैं, बच्चों का नाम लिखवा देते हैं। इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, आपने एक मुकदमे में लिखवा दिया, चार गवाह मिल गए, उन्होंने गवाही दे दी, चलो चार्जशीट भी लग गई, एक डेढ़ महीने में चार्जशीट कोर्ट पहुंच गई। अब सभी लोग जानते हैं मुकदमा फर्जी है, कैसे अब कैसे उसका निर्णय हो, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट में तो मुकदमा चार साल बाद आएगा ना, ऐसा तो होता नहीं है हमने आज चार्जशीट लगाई अगले महीने ट्रायल पे आ जाए, मामला सुनवाई हो जाए, मोहल्ले के 10 लोग और मिल गए, बयान दे दें, लड़का निर्दोष है, बच जाए, होता नहीं है ना। होता तो है, 4 साल बाद ट्रायल पे आएगा, तब निर्णय होगा कि वो दोषी था या निर्दोष था, और तब कोर्ट ने कहा वो तो निर्दोष है, उसको बरी किया जाता है, और उस प्रोसेस में भी 2-3 साल और लग गए, 7 साल लग गए उसको निर्दोष होने में। लड़का था 18-20 साल का, 27 साल का हो गया, उसकी उम्र थी भर्ती देखने की, नौकरी की, उसकी जगह वो कानूनी पचड़े फंस गया, होता है ना सर, निर्दोष होने में टाइम लग जाता है। अब सोचो उसी 18 से 20 साल 27 साल की उम्र में उसकी सारे कैरियर का ऑप्शन है, सारी भर्तियों का एज वही है। क्षेत्राधिकारी महोदय, हमने इनमें जो खूबी देखी है, एक तो तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हैं, सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, जहां तक मेरा संज्ञान है ये कभी भी किसी के प्रभाव में काम नहीं करते, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। ऐसे निर्भीक क्षेत्राधिकारी महोदय को आज इस मिशन जागृति के मौके पर हृदय के अंतःकरण से हम इनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। हमारे SHO श्री अरविंद सिंह जी, इनकी भी एक खासियत है, समय अभी कमी हुआ है इनके यहाँ करल में पोस्टिंग का, और जिस बारीकी के साथ जिस किसी भी घटना की छानबीन करते हैं, गंभीरता से लेते हैं, और हर कोतवाली पे जाने वाले नागरिक अब तक जो इनका कार्यकाल है उसमें हमने ये पाया है, जो भी नागरिक इनके पास जाते हैं निश्चित रूप से उनकी सहायता करते हैं, और ऐसे ही सहायता नहीं करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं। श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है, और हमारे इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के सभी गांव और इस नगर के सभी वार्डों का ये मेरे ख्याल से ये अंतिम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजक, इस वार्ड के सभासद भाई मोहम्मद अकरम को हम बधाई देते हैं, छोटी सी सूचना पर उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए उनको भी बधाई।